हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग फाइव फिंगर चैनल। तो अभी तो हम लोग उठे हैं, अभी तो जान ही रहे दिवाली का है, साफ सफाई का टाइम है, बहुत ही काम है। तो मैं तो चाय पी ली, ये देखिए चाय पी के अब जा रहे हैं किचन में, बर्तन रखेंगे, फिर वही दिनचर्या में काम में घर के साफ सफाई में लगना है। आप लोग बताइए, आप यहाँ काम चल रहा है कि नहीं? काम तो खैर सब कहाँ चल गया हुआ, अब समय ही कहाँ है। अब प्लस हमको फिर निकलना है छठ के लिए, दिवाली के दूसरे दिन ही हम निकल जाएंगे। तो ये देखिए, ये रूम अभी थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है, बाकी तो हम पर्दा धो ही लिए, आप लोग को दिखाई दिए थे, ये सब पर्दा धो के हम लगा भी दिए हैं। और कल का वीडियो में दिखाए हैं कि मेरे पति कैसे उल्टा पर्दा लगाए थे। तो क्या आप लोग के पति भी पर्दा उल्टा लगाते हैं अगर छोड़ देते हैं तो? अभी तो थोड़ा सा, अरे बाप रे बाप, अभी समय सफाई का चल रहा है। ये देखिए, अभी सीढ़ी का भी सफाई करना ही है, कितना कचरा भरा हुआ है इतना सीढ़ी पर, अभी उसका करेंगे। और ये तो जो पुराना सजावट किए थे मंदिर में, उन सब निकाल के हम इसमें डाल दिए, कि अब इसका क्या, फिर तो नए तरीके से ही सफाई होता है। और ये देखिए मेरे बाहर का लोकेशन, यहाँ पर तो यही चीज़ अच्छा है, घर से बाहर निकलिए पूरा रोशनी रोशनी। मेरे पटने वाले घर में ये चीज़ नहीं हो पाता है, क्योंकि मेरा घर वहाँ मार्केट में है, इसलिए उतना तो धूप रोशनी आता नहीं है। और ये रहा मेरा फूल, पतवा हिले पतैया हिले मोरा मनवा डोले। ये देखिए, बहुत अब मैंने क्या, पुराना फूल भी हो गया था, सब सूख के झड़ रहा है। ये देख, और अमरूद भी हो गया है, लेकिन पका नहीं है, पिछली बार छठ के टाइम में तो पक गया था, तो हम ट्रेन में खाने के लिए भी ले गए थे, और वहाँ के लिए बच्चों के लिए भी ले के गए थे। रोज़ सुबह उठिए तो वही लगता है, रात में सोच के सोइए कि कौन सा काम कल स्टार्ट करना है, फिर रात में। और एक बैक कैमरा से हम आपको एक चीज़ दिखाते हैं, मेरी बेटी ऑफिस से आती है, कहती मम्मी इसको हटा दो यहाँ से, अब सोच रहे यहाँ से हटा ही देते, कहती डर जाते, लगता है वहाँ कोई बैठा हुआ है। ये देखिए, ये महाराज यहाँ बैठे रहते हैं, मेरी पिटिया रानी बाहर इधर खिड़की से आती है तो कहती कि मम्मी हम डर जाते हैं जब इसको देखते हैं, इसके ऊपर कुछ डाल दो या तो यहाँ से हटा दो। तो ये सुरेख है, तो हम सोचे यहीं पर इसको रख देते हैं, लेकिन अब लग रहा है यहाँ से हटाना ही पड़ेगा। और ये मेरी बिटिया रानी बनाई है, लेकिन अब इसमें मिट्टी भरे नहीं है कि कोई प्लांट लगाए, ऐसे ही पड़ा हुआ है। धीरे धीरे सब काम करेंगे, क्या करें, अकेले पड़ जाते हैं। चलिए तो हम खाना बनाना स्टार्ट करते हैं। हमको तो खाना बनाने से ज़्यादा दिक्कत होता, खाना क्या बनाई ये सोच रहे हैं, आप लोग को भी होता है। और कपड़ा वाशिंग मशीन भी हमको चलाना है, क्योंकि कल मैं चलाई नहीं थी, बच्चे का छुट्टी में मजा लेते रह गए, बच्चों के साथ एंजॉय करते रह गए। खाना हम सब बना लिए झटपट में, ये देखिए सब्जी आलू बैंगन, और ये कढ़ी बना लिए जो बच्चे लोग खा भी लिए, और ये चावल था जो लास्ट में बचा रख दिए हैं, बाकी तो अभी आ गई हैं मेड दीदी, तो अब काम करेंगे। हम भी वाशिंग मशीन का काम कर ही लिए, अब वो जाएंगे उसके बाद ही निकालेंगे। और पता नहीं कहाँ गई मेरी मेड दीदी, लगता पीछे आंगन धो रही हैं क्या। पीछे आंगन धो रही है, नहीं वही सब फेंकेंगे, ये वाला कचड़वा सोच रहे सब ऊपर छत पे फेंक आते हैं, क्या ये वाला सोच रहे सब ऊपर फेंका है। अच्छा, और कबाड़ी वाला इधर नहीं आता है क्या? आता है, लेकिन पता नहीं, उधर भी देख रहे थे, इधर दिख ही नहीं रहा है कि सब हटाए कबाड़ी, सीढ़ी पूरा भरा हुआ है। एक दिन जिस दिन फ्री हो ना दिवाली से एक आध दिन पहले, वो पूरा पाइप लगा के धो देना, धनतेरस वाले दिन या धनतेरस एक दिन पहले। हाँ।
ठीक है, तो फटाफट तो काम किया जा रहा है दिवाली का, सफाई का। चलिए ये पूजा हो गया है घर के मंदिर का, हम नहीं किए हैं अभी तो, हम नहाए भी नहीं है, काम में बिजी थे, बेटा कर लिया है। लेकिन चलिए तो इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं, मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, बाय बाय।